वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। शिवसेना भाजप के कार्यकर्ता हुए आमने सामने, एक दूसरे के विरोध में हुई घोषणाबाजी। भाजप के स्थानीय आमदार व नगर सेवक को कार्यक्रम में ना बुलाने पे भाजपा की नाराजगी। पिछले अनेक वर्षों से प्रलंबित गोरेगांव टोपी वाला मार्केट और नाट्य गृह के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। गोरेगांव के रहवासी जिसका कई सालों से इंतजार किया, वो प्रभाकर पंशीकर नाट्य गृह और टोपी वाला मार्केट व आवासीय संयुक्त परियोजना का भूमि पूजन शिवसेना नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया था। शिवसेना के प्रयासों से आज यहाँ नाट्य ग्रुप व मार्केट का स्थापित होने जा रहा है, वैसा शिवसेना का दावा है। यह कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता को भी नहीं बुलाया गया था, जिसका भाजपा के कार्यकर्ता में नाराजगी बढ़ी। परंतु आखिर में मौके पर राज्य मंत्री विद्या ठाकुर सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी यह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी उठाए गए। वही शिवसेना का दावा है कि सुभाष देसाई के पिछले 25 वर्षों के लगातार किए कार्यों से आज यह कार्य संपन्न हुआ है। वही दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि स्थानीय आमदार व भाजपा के राज्य मंत्री विद्या ठाकुर के प्रयास से आज यह कार्य संपन्न हुआ है। 3 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 3 साल के अंदर करके देंगे। कुछ 16 माले की बिल्डिंग है, नाट्यगृह है, डॉक्टर लोगों का रेसिडेंस है यहाँ पर, मार्केट है, और जो मंडई के लोग हैं उनका है। सारे लोगों की इसके अंदर बहुत अच्छी ढंग से व्यवस्था की गई है, और जो आर्किटेक्ट है यहाँ के शशि प्रभु जी, उनको भी ये बताया गया है कि और भी कुछ दुनिया में अच्छे ऑडिटोरियम, अच्छे मार्केट बने, वहाँ से भी कुछ आप उसको लीजिए। और वैसा सुसज्ज ये मुंबई के अंदर बने, क्योंकि मुझे याद है कि मैं खुद स्वयं मराठी ड्रामा, हिंदी ड्रामा या गुजराती ड्रामा देखने के लिए मुझे कभी बोरीवली और कभी कालिदास और कभी दादर जाना पड़ता था। लेकिन आज अपना गोरेगांव में बन जाएगा तो हम लोगों को यहाँ नज़दीक पड़ेगा, और ये लोगों का सपना था और मेरा भी सपना था।